इस्लाहे माशरा, ये मौजू आज इसलिए चुना गया, मेरी डेफिनेशन सुन लीजिए, कि मुझ समेत किसी बंदे को मरना याद नहीं। अगर बंदे को सिर्फ मरना याद हो तो ये टॉपिक कोई हसीयत नहीं रखता, लेकिन अदरवाइज इसमें बड़ा वजन है और इस पे दिन अयाम रातों गुफ्तगू की जा सकती है। दूसरी बात के जो मैंने अलामा साहब की गुफ्तगू से ली कि आप हजरत अलामा मौलाना शाहजी साहब का हाथ मजबूत कीजिए, दीन के कामों में निकलना आसान लेकिन इसमें मुश्किलें बहुत आती हैं, लेकिन अगर सामने वालों की भी सोच इसी तरह पॉजिटिव हो तो फिर मंजिल मुश्किल नहीं है। मैं उनसे चार मिसरों की गुजारिश करके अपने नात खां को पेश कर दूंगा कि तू अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, तू अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, खाएंगे तेरे बच्चे क्या ये खुदा पे छोड़ दे। और अपनी बख्शिश की सोचने वाला तू कौन है, अपनी बख्शिश की सोचने वाला तू कौन है, ये मुस्तफा का काम है, तू मुस्तफा पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश की सोचने वाला तू कौन है, ये मुस्तफा का काम है, तू मुस्तफा पे छोड़ दे, खाएंगे तेरे बच्चे क्या ये खुदा पे छोड़ दे। मैं अंदलीबे गुलस्तान रसालत माब सना खान रसूल जना मोहतरम रेहान हबीब कादरी साहब से मुल्तजी हूँ, आप तशरीफ लाएं और इस स्पिरिचुअल सेंटर, इस रूह परवर मरकज में जो रूहानी सुहानी महफिल सजी है उसमें बारगाह सैयदुल कौनैन अपनी अकीदत के फूल पेश करें। जना मोहतरम रेहान हबीब कादरी साहब, दुरूद पाक पढ़िए। अब आप जितने मौजूद हैं दुरूद पाक पढ़िए।